गाइज, सो द क्लिप डैट यू रिसेंटली वॉच इज़ फ्रॉम 11th September. उस दिन मैं ओरायन मॉल गई थी बिकॉज आई वॉन्ट टू बाई सम स्टफ. 13th को मेरी फ्लाइट थी तो मेरे पास सिर्फ एक या दो दिन बचे थे तो मैं ओरायन चले गई. उधर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है. फॉर दोज हु डोंट नो, ओरायन बैंगलोर में एक मॉल है एंड अनफॉर्चुनेटली आई सॉ दैट कि उधर एक कॉन्सर्ट चल रहा है. दैट कॉन्सर्ट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, पर वो कॉन्सर्ट मेरी जिंदगी का पहला कॉन्सर्ट बन गया और मैं सोने पे सुहागा हो गई. द होलसम मोमेंट वॉज देन जब बारिश स्टार्ट हो गई एंड लिटरली लोग खड़े थे जब तक बारिश एक्सट्रीम नहीं हो गई. एंड आफ्टर दैट 9 o'clock हम घर चले आए और पता नहीं कहाँ वो क्लिप गायब हो चुकी है, बट हम बर्गर किंग भी गए थे फॉर द डिनर. ओके, सो फ्रॉम 11 to 4 AM मैंने सिर्फ पैकिंग किया है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या क्या लेके जाऊँ कि मैं लिटरली 8 महीने बाद घर जा रही थी. एंड द एक्साइटमेंट वॉज टोटली रियल. एकदम मैं फ्रीक आउट थी कि मुझे ये भी लेके जाना है, वो भी लेके जाना है. सबसे पहली बात तो मैंने दो बार ट्रॉलियाँ चेंज की. अभी भी मैं रिग्रेट करती हूँ कि काश मैं बड़ी वाली ट्रॉली ले लेती, मतलब जो लार्ज साइज का ट्रॉली होता है वो. यू नो द स्ट्रगल, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है मुझे कितना सारा सामान हैंडबैग में कैरी करना पड़ा. आई हैड अ फ्लाइट एट 5 o'clock ऑन 13th September एंड वी ऑल्सो हैव टू गो टू अ बेबी सावर ऑन 12. सो द प्लान वॉज कि हम पहले बेबी सावर में जाएंगे एंड एट द मिड एयरपोर्ट पड़ता है तो मेरे मामा मामी ने सोचा कि हाँ हम इसे उधर ड्रॉप करते हुए आएंगे. सो टुडे इज द नेक्स्ट डे 12th September. हियर आई एम एक्सचेंजिंग द ट्रॉली अगेन. सो एट 5 o'clock और 6 o'clock तक वी हेडेड टू द बेबी सावर और उधर से हम 12 o'clock निकले एंड आफ्टर डैट मैं 1:35 तक एयरपोर्ट पे थी. सो ऑलमोस्ट 2 o'clock तक मैं एयरपोर्ट पे थी एंड फ्रॉम 2 o'clock टू 5 o'clock आई वॉज टोटली अलोन देयर. आई इन्जॉय दैट टाइम सो मच. मैंने पूरा एयरपोर्ट जितनी बारी घूमा ना भाई, मेरे लिटरली पैर दर्द कर दिए. एंड आफ्टर डैट मैं आके बैठ गई एंड आई स्टार्ट ईटिंग दैट मून फील्स का कुछ था और वो मैंने सबके लिए लिया था. आई स्टार्ट रिग्रेटिंग राइट आफ्टर आई ईट. फिर मैंने सोचा ठीक है मैं उसी में से मैनेज करके सबको दे दूंगी, बट भाई मेरे को देखा लाइक वो मेरी आंखों के सामने था, मुझे रहा नहीं गया. लाइक आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ. मुझे देख के उसको ऐसा लगा ये तो मेरे लिए ही बना है. एंड आफ्टर ईटिंग दैट मुझे क्या भयंकर नींद आई भाई साहब. फिर मेरे को देखना जब मैं फ्लाइट में जा रही हूँ ना, लिटरली फ्लाइट में जाते टाइम तक आई एम यानिंग. देन वी हेडेड टू द फ्लाइट एट 5:20 एंड आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग लाइक वॉट आई फील वेन आई सॉ द एरोप्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम. और मैं उन बच्चियों में से हूँ ना कि अगर मेरे घर के बाहर से एरोप्लेन जाता था ना भाई, मैं सारा काम छोड़ के बस उसे देखने चली जाती थी बिकॉज आई एम फ्रॉम बिहार और उधर यू नो एयरपोर्ट्स नहीं है तो बहुत रेयरली उधर से एरोप्लेन्स जाते थे. एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, आई एम काइंड ऑफ दैट पर्सन कि कुछ भी करो तुम्हें बाहर जाके एरोप्लेन देखना है तो देखना है. It's so unrealistic I feel at that time. After that I went inside, I seated at my given place and I got window seat. Oh my God, I am so grateful for that कि मुझे विंडो सीट मिली क्योंकि वापस आते टाइम मुझे विंडो सीट बिल्कुल नहीं मिला था. द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने सनराइज भी देखा. आई नो मैंने एक्सपीरियंस वाले वीडियो में सब बोल दिया है बट सनराइज इज टोटली डिफरेंट देन सनसेट. तुम्हें मैं बताती हूँ, व्हेन आई सॉ सनराइज ना उसने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया इन दैट सेंस कि तुम जब सनसेट देखते हो यू हैव अनदर काइंड ऑफ एनर्जी. जब तुम सनराइज देखते हो यू हैव अनदर काइंड ऑफ एनर्जी बिकॉज सनराइज तुम्हें एनर्जी देता है टू वर्क थ्रू आउट द डे. और शाम जब सनसेट होता है दैट्स गिव्स यू काम, पीस एंड ऑल द अदर थिंग्स. सो देर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंट बिटवीन सनसेट एंड सनराइज आई फील एट दैट मोमेंट. हाय गाइस, सो करंटली वी आर इन लखनऊ एंड वी हैव कनेक्टिंग फ्लाइट एज यू डोंट नो. ओके, सो आई एम टेलिंग यू आई एम नाउ गोइंग टू पटना फ्रॉम द लखनऊ एंड आई विल सी यू देयर. एट 7:50 और समथिंग मैं लखनऊ लैंड की एंड लखनऊ आते ही इट्स फील्स लाइक भाई मुझे कौन से ओवन में डाल दिया तुम लोगों ने. चल रहा था ना इट्स लाइक कि भाई साहब कोई हमारे ऊपर बर्फ गिरा रहा है. दैट इज द फीलिंग इनसाइड द फ्लाइट. एंड बाहर तो ऐसा लग रहा था भाई हमारे ऊपर कोई गोले यू नो ओले आग के ओले नहीं होते वो फेंक रहा हो. हाय गाइस, वी आर इन पटना. पटना से हमारी फ्लाइट थी 10 o'clock टू 12 o'clock. मैं 12 o'clock पटना लैंड की एंड माई फ्रेंड्स केम टू पिक मी अप क्योंकि पटना से जो मेरा होम टाउन है ना वो ऑलमोस्ट 6 hours की जर्नी है.
सो आई स्टे एट माई फ्रेंड्स प्लेस. सिंस आई केम ऑन आफ्टरनून सो वी डिसाइडेड कि हम शाम को घूमने जाएंगे. देन वी वेंट टू द मार्केट शाम में एकदम. एंड देन हम वापस आए, बातें किया बहुत सारा, मोमोज खाए एंड देन वी स्लेप्ट आफ्टर ईटिंग आवर डिनर. एंड सुबह 5 बजे मैंने जाने का इसलिए डिसाइड किया बिकॉज मैं अगर 5 बजे निकलती हूँ सुबह तो एट 10 o'clock और समथिंग मैं अपने घर पे होंगी. अगर मैं 10 o'clock निकलूँ तो मैं अपने घर पे ऑलमोस्ट 3-4 o'clock तक पहुँचूंगी. दैट्स वाई मैं इतना जल्दी उसके घर से निकल गई. एंड दैट रियली वर्थ इट. आई एम रियली इन्जॉइंग द जर्नी बिकॉज एक तो मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे मौत आ जाती है सुबह उठने में. और ये जो मुझे रोज रोज सनराइजेस देखने को मिल रहे थे ना, इतना एनर्जी मैं कहाँ स्टोर कर. एंड देन आई केम टू माई होम एट 10 o'clock एज आई सपोज. एंड देन आते ही मेरी मम्मी ने मुझे 56 भोग की थाली. आई मिस सो मच. ऐसे देखो क्या लगा के रखा है पीछे. मैं गई क्या, मेरे पूरे रूम का यू नो सिनेरियो ही चेंज हो गया. आई एम होम, अभी मैं सो के उठ गई हूँ. एंड आई डोंट नो ये एंगल इतना गंदा क्यों आ रहा है, बट इट्स ओके. अभी हम छत पे जाएंगे फॉर सम फ्रेश एयर. इट्स सो ईजी टू समराइज माई जर्नी ऑफ 10 days वेकेशन. मैंने सिर्फ खाया है, जो मेरी मम्मी सफ बन गई थी. लिटरली मुझे इतना खिलाया ना मम्मी ने. खाया है, पिया है, सोया है, घूमा है और बैंकों के चक्कर काटे हैं मैंने. आई डोंट रिमेम्बर उस दिन का डेट, बट मैं पापा के साथ उस दिन बैंक गई हुई थी एंड हम उधर से ही मार्केट चले गए. पापा को कुछ काम था. मैं जिस दिन भी गई थी ना उससे 1 या 2 दिन पहले तीज था. तो आई वेंट टू द मार्केट एंड मैंने सोचा क्यों ना मैं मम्मियों के लिए तीज का सामान ले लूं. मैंने मम्मा और बड़ी मम्मा के लिए तीज का सामान लिया फॉर द फर्स्ट टाइम. पहले उनको कॉल पे रख के लिया ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे नहीं पता रहता उसमें क्या क्या चीजें लगती है. एंड व्हेन आई केम बैक होम हमने डिनर में खाए दाल की दुल्हन. ऑल दिस इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट. हाय. एंड इट्स बीन 10 days सिंस आई एम हियर. एंड मैं बैंगलोर से आई थी फॉर द डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल. डॉक्यूमेंट का कुछ काम था, दैट्स व्हाई मैं आई थी. एंड आई एम एंजॉइंग इट भाई. ऐसी लिया बैंगलोर में देखने को बिल्कुल नहीं मिलती है. इट्स सो गुड बीइंग हियर. बैकग्राउंड में अंकल कुछ बता रहे हैं दैट पीपल हैव टू डू द सेम थिंग. अनदर डे सेम रूटीन. मम्मी हमेशा की तरह रात को टेस्टीएस्ट डिनर बनाए. चूहे ने लिटरली मेरा जो लाइट था ना उसे काट दिया था. मैं उसे बैठ के सुलझा रही थी एंड टेपिंग कर रही थी तभी मेरा पार्सल आया. एंड द पार्सल इज नॉट गुड एज आई एक्सपेक्टेड. ऑन द सेम डे आई वेंट टू मार्केट अगेन. इस बार मैं ना अपने पैसे से सबके लिए कुछ लेने जा रही थी. मैं डोमिनोज गई एंड आई बॉट दिस जेंगे पार्सल फॉर ऑल ऑफ देम. सब ने खा के डब्बे फेंक दिए थे. मैं डब्बे उठा के लाई जस्ट टू शो यू गाइज अगेन. This is the dress that I got yesterday. Good length. Length is also good and I love the work all around here. Ignore the mess that my brother has created all day long. So yeah, now I'm going to do packing. Let's go and pack. It is the most fabulous 10 days here. But now I'm gonna put Kajal. And I am so new at kajal. I don't usually do kajal on my eyes. So let's see how it's gonna turn out. Focus, focus, focus and focus. Okay, hope you can see the kajal on my eyes. Shit. Okay guys, so on the same day, mummy ne chawal ke peethe bhi banaye. And I also helped mama. Aur maine ekdam chhotu chhotu se peethe banaye the. फॉर द ट्रैवलिंग कि उसको मैं एक बार में खा सकूं. एंड दैट केम आउट सो 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 डिलीशियस. गुड मॉर्निंग गाइज. इट इज़ द नेक्स्ट डे. नॉट सो हैप्पी डे. मैं कितना ट्राई किया कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँ बट मेरे से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था. आई वॉज सो सैड. आई डोंट नो द फीलिंग ऑफ दैट टाइम. मैं इतना ओवर थिंक कर रही थी. मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी. एंड आई हैव टू लेफ्ट एट 9 AM. तो मैंने मम्मी से बात बात की, सबसे मिले एंड देन आई लेफ्ट एट 9 o'clock. डोंट थिंक कि मेरी फ़्लाइट 3 or 2 o'clock थी, दैट्स वाई मैं 9 o'clock निकली. मेरी फ़्लाइट 6 o'clock थी शाम में. एंड मैं इतना पहले इसलिए निकली, आई डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क एट ऑल, क्योंकि अगर तुम ट्रैफिक में फंसे 6-7 hours तो तुम्हारे ऐसे ही जाने वाले हैं पटना के ट्रैफिक में. सो दैट्स द ओनली रीज़न. अगर तुम लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ है तो मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि मैं बताती हूँ एक स्टोरी. एक रात पहले मैंने अपना बैग चेक करके एकदम 14 kg तक का भर के रख दिया था ट्रॉली में. एंड द नेक्स्ट डे मैंने चेक नहीं किया, मैं डायरेक्ट उठा के लेके आ गई एयरपोर्ट.
एंड वॉट हैपन विद मी, वो बैग अचानक से 18 केजी का हो गया और मम्मी से कॉल पे बात करके पता लगा कि अच्छा मम्मी ने एक्स्ट्रा सामान उसमें ठूस ठूस के रखे हैं। एंड देन मैंने सबको खाली किया, वापस से 14 केजी किया, 15 केजी किया और जो मैं एक एक्स्ट्रा बैग लेके गई थी ना मैंने सारा उसमें रख दिया। होपफुली वो बैग था मेरे पास, अदरवाइज मुझे फिर से वो काले वाले बैग में भर के लेके आने पड़ते। दिस टाइम आई गॉट मिडिल सीट इन द फ्लाइट एंड होपफुली दोनों बंदे काफ़ी अच्छे थे। आई टॉक अ लॉट विद देम एंड इट्स गुड टॉकिंग विद स्ट्रेंजर्स एंड आई टेल देम दैट आई वॉन्ट दिस विंडो वाला सीट, कैन यू प्लीज गिव मी। ही वॉज लाइक ओके यू कैन टेक दैट विंडो वाला सीट। सो या दिस इज द 14 डेज जर्नी। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक Don't forget to like and subscribe to my channel. I see you guys in my next video. Bye. I love you.